नमस्कार, मैं हूं तनुषी और आप देख रहे हैं सुनील संवाद। दिखाएंगे आपको हफ्ते की कैंपस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विदेशी यूनिवर्सिटी के साथ शुलिनी ने किया अहम समझौता। मेलबर्न यूनिवर्सिटी और डेफोडिल यूनिवर्सिटी के साथ कई मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेगी शुलिनी। एकेडमिक्स और कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा देना है मकसद। फैकल्टी मेंबर्स के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित। सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से आयोजन। ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम की दी गई जानकारी। शुलिनी के प्रोफेसर प्रदीप सिंह ने रोशन किया है यूनिवर्सिटी का नाम। 10,000 से ज्यादा स्कोप साइटेशन की हासिल। दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल है प्रोफेसर प्रदीप सिंह। स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग पर वेबिनार का आयोजन। कंपीट इंडिया जोन चंडीगढ़ के डायरेक्टर और फाउंडर अक्षय अग्रवाल रहे मेन स्पीकर। इंजीनियरिंग के स्कोप पर की गई चर्चा। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के टॉप यूनिवर्सिटीज के साथ अहम समझौता किया है। क्या कुछ खास है समझौते में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी ने पार्टनरशिप को स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश की डेफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अहम समझौता किया। ये समझौते का मकसद एजुकेशन और रिसर्च के फील्ड में एकेडमिक और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देना है। शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला और मेलबर्न यूनिवर्सिटी की तरफ से डेप्यूटी वाइस चांसलर प्रोफेसर माइकल वेस्ली की तरफ से लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। इस ऑनलाइन बैठक में दोनों यूनिवर्सिटीज के सीनियर स्टाफ और फैकल्टी मेंबर्स मौजूद रहे। इंटेंट लेटर के मुताबिक दोनों यूनिवर्सिटीज भविष्य में ऐसे मौकों का पता लगाएंगी जिसमें फैकल्टी और स्टूडेंट्स का एक्सचेंज शामिल हो। एकेडमिक्स इंफॉर्मेशन के साथ साथ पब्लिकेशन, जॉइंट रिसर्च कार्यक्रम और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम पर भी दोनों यूनिवर्सिटीज साथ काम करेंगी। शुलिनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और ढाका की डेफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर एम लुत्फर रहमान ने कॉन्वोकेशन सेरेमनी के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सेरेमनी में प्रोफेसर खोसला को गेस्ट स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। शुलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया ये समझौता स्पेसिफिक कोऑपरेटिव कार्यक्रमों और विकास में मददगार साबित होगा। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ श्रेया, शुलिनी संवाद। शुलिनी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से स्टाफ मेंबर्स के लिए 2 दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से मौजूदा ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर 2 दिन का फैकल्टी अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन चांसलर प्रोफेसर पीके कुश्ता ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। इनोवेशन एंड मार्केटिंग के प्रेसिडेंट आशीष खोसला ने इस दौरान कहा कि तकनीक बदल गई है और अब कोई भी किसी भी उम्र में काम करते हुए या अपना बिजनेस चलाते हुए पढ़ाई कर सकता है। आशीष खोसला ने शुलिनी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स और कर्मचारियों के लिए एक स्पेशल इंसेंटिव की भी घोषणा की और उन्हें ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग के फायदे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मोटिवेट किया। कार्यक्रम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक शॉर्ट फिल्म सास बहू और ऑनलाइन की स्क्रीनिंग थी, जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे के बारे में बताया गया और उसके बाद एक प्ले का भी आयोजन किया गया, जिसके जरिए डिस्टेंस लर्निंग की फीस के बारे में जानकारी दी गई। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ राघव, शुलिनी संवाद। शुलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रदीप सिंह के इससे एक बहुत बड़ी कामयाबी आई है। क्या कारनामा कर दिखाया प्रोफेसर प्रदीप ने, आइए बताते हैं आपको। शुलिनी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ एडवांस केमिकल साइंसेज के प्रोफेसर प्रदीप सिंह ने टॉप ग्लोबल साइंटिफिक डेटा माने जाने वाले स्कोपस डेटा के मुताबिक 10,000 से ज्यादा स्कोपस साइटेशंस का लक्ष्य हासिल किया है। डॉक्टर प्रदीप सिंह दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल है। डॉक्टर प्रदीप सिंह के नाम कई पेटेंट्स है, साथ ही उनका पर्सनल एच इंडेक्स 69 है। चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला और वाइस चांसलर प्रोफेसर अतुल खोसला ने इस कामयाबी पर डॉक्टर प्रदीप सिंह को बधाई दी। उन्होंने रिसर्च स्कॉलर्स से डॉक्टर प्रदीप सिंह के नक्शे कदम पर चलने का आग्रह किया। वहीं अगर नए आंकड़ों की बात करें तो शुलिनी यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च पेपर के साइटेशंस के आधार पर 101 का एच इंडेक्स हासिल किया है,
कैमरा पर्सन संजय के साथ निहित शुलिनी संवाद सोलन। शुलिनी यूनिवर्सिटी के कोर इंजीनियरिंग स्कूल ने स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग टॉपिक पर एक वेबिनार का आयोजन किया। क्या कुछ खास रहा इस वेबिनार में, आइए बताते हैं आपको। स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग ने स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग पर एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार के मेन स्पीकर कंप्लीट इंडिया जोन चंडीगढ़ के डायरेक्टर और फाउंडर अक्षय अग्रवाल रहे। अक्षय अग्रवाल ने इंजीनियरिंग को करियर के रूप में चुनने में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में बताया और सरकार PHU, AHI और विदेशों में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रोजगार के मौके के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने स्टार्टअप्स, इंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट वेंचर्स की संभावनाओं पर भी जोर दिया। इंजीनियरिंग डीन डॉक्टर वीरेंद्र रिहानी और स्कूल ऑफ कोर इंजीनियरिंग की HOS डॉक्टर भास्कर गोयल ने स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के बाद सही करियर चुनने के लिए मोटिवेट किया। कैमरा पर्सन राकेश गोयल के साथ साक्षी शुलिनी संवाद सोलन। और अब शिवानी से जानते हैं एक नई किताब के बारे में जिसे एक खोजी पत्रकार ने लिखा है, बताइए शिवानी। शुलिनी यूनिवर्सिटी की लिटरेचर सोसाइटी गौतम बैलेट्रिस्टिक ने एक बुक डिस्कशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लेखक और पत्रकार जुपेंद्रजीत सिंह ने अपनी बात रखी। जुपेंद्रजीत सिंह की नई बुक प्रोजेक्ट फॉर लव दो लवर्स मिथ है और जस्सी की कहानी बताती है, जो अपनी एक नई दुनिया खोजने के लिए भाग गए थे लेकिन जस्सी का परिवार उनका पीछा करता है। इस बुक डिस्कशन का संचालन फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स की डीन मंजू जैदका ने किया। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवानी शूलनी संवाद सोलन। आपसे विदा लेने से पहले चलिए आपको जानकारी देते हैं अगले हफ्ते के रेडियो शूलनी शो के बारे में। हेलो हाय नमस्ते, मेरा नाम है स्तुति और आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेडियो शूलनी पे आने वाले तमाम शोज के बारे में, जैसे कि RJ Moses, Love is in the Air, RJ Bhavna, Audio Brahman, RJ Rohit, Hafta Vasool and RJ Riya, Badhai Ho, viral hua hai. To sunna mat bhuliyega in tamam shows ko, only on Radio Shulini, Awaaz Vaadiyon ki. Abhi ke liye bas itna hi, agle hafte phir hogi aapse mulaqat, tab tak ke liye dijiye ijazat, namaskar.